ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर निकल कर आई है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ अगर हम इसे ट्राइडेंट लिमिटेड को फ्यूचर का मल्टीबैगर शेयर भी कहें तो भी कुछ यहां पर गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर रिसेंटली आपको ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से हर दिन कुछ नई अपडेट्स देखने को मिल रही है। तो यहां पर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी निगाहें भी किसी ऐसे ही शेयर्स पर रहती है जिसके अंदर रिस्क फैक्टर कम हो और आने वाले टाइम में रिटर्न्स ज्यादा हो। तो जी हां दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड एक ऐसा ही शेयर है जिसके अंदर आपको रिजल्ट के बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद आज आपको ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर 5% की तेजी देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड के 52 वीक के हाई की बात करें, जो कि ट्राइडेंट लिमिटेड ने रिसेंटली अपने रिजल्ट आने के 2 दिन पहले ही बनाया था, जो कि ₹19.30 का था, लेकिन अब यहां से ट्राइडेंट लिमिटेड के और बड़े टारगेट निकल कर आ रहे हैं। जानी मानी ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने भी ट्राइडेंट लिमिटेड को खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने भी यहां पर ट्राइडेंट लिमिटेड के अगले ट्रेडिंग सेशन के टारगेट दिए हैं, वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा। साथ ही साथ कंपनी की भी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। एनएससी के अंदर जो आज ट्राइडेंट लिमिटेड की वॉल्यूम ट्रेड हुई है, अगर आप उसकी तरफ नज़र मारेंगे तो वॉल्यूम तो चलो ठीक है, आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान देना होगा डिलीवरेबल बेस काम पर। डिलीवरेबल बेस काम अभी भी आपको ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर लगभग 35% के अप्रोक्स देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी रिटेल इन्वेस्टर और साथ ही साथ अगर बड़ी ब्रोकरेज फर्मों की बात करें तो बहुत ज़्यादा वो ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर भरोसा जता रही है, क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर ट्राइडेंट लिमिटेड उभरता हुआ एक ऐसा सितारा है जिसके अंदर आपको आने वाले टाइम में जो शेयर अभी आपको 2 डिजिट में देखने को मिल रहा है, बहुत जल्दी आपको ये 3 डिजिट में भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहली अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ट्राइडेंट लिमिटेड जिनकी एनुअल जनरल मीटिंग, जी हाँ दोस्तों, AGM होने वाली है 25 मई 2021 को, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। साथ ही साथ कंपनी ने जब अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया था और उसमें जो 0.36 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उसकी रिकॉर्ड डेट भी वहाँ पर अनाउंस करी जाएगी। तो यदि आप डिविडेंड के लिए यहाँ पर एलिजिबल होना चाहते हैं तो आप ट्राइडेंट लिमिटेड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं 25 मई 2021 के पहले तक। साथ ही साथ जानी मानी ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने ट्राइडेंट लिमिटेड के जो अगले टारगेट दिए हैं वो ₹18 के टारगेट दिए हैं। जी हां दोस्तों, ₹18.50 के यहां पर ट्राइडेंट लिमिटेड के टारगेट दिए हैं मोतीलाल ओसवाल फर्म ने। करंट शेयर प्राइस से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी है, ₹16.28 से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी है, और जो उन्होंने इसके नेक्स्ट टारगेट बताए हैं वो ₹18.40 के बताए हैं। जी हां दोस्तों, और एक्सपेक्टेशंस तो यहां तक है कि ये टारगेट आपको आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही देखने को मिल सकते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 1990 में और इज अ मिड कैप कंपनी है ये। जी हाँ दोस्तों, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,433 करोड़ का है। साथ ही साथ अगर इसके कोर बिजनेस की बात करें तो टेक्सटाइल का इनका कोर बिजनेस है, साथ ही साथ ट्राइडेंट लिमिटेड के और भी बिजनेसेस हैं जिसमें वो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस बनाकर दे रहे हैं। इसी के साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड के जो एक और प्लस पॉइंट है वो है इनकी प्रमोटर्स की होल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर प्रमोटर्स ने 73% का स्टेक होल्ड कर रखा है। साथ ही साथ अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने 3.6% का स्टेक, DII ने 0.9% का स्टेक, एंड साथ ही साथ पब्लिक एंड अदर इंस्टीट्यूशन ने लगभग 22.5% का स्टेक होल्ड कर रखा है। लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको कंटिन्यूसली बेसिस पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट साबित हो सकती है। इसी के साथ रिटेल इन्वेस्टर इसको खासकर बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्राइडेंट लिमिटेड 1990 की लिस्टेड कंपनी है, लेकिन पिछले 20 सालों के अंदर आपको इस शेयर के अंदर किसी प्रकार के मूवमेंट देखने को नहीं मिले, यानी कि कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। छोटे मोटे करेक्शंस आपको देखने को मिलते रहते थे, ये शेयर कंटिन्यूसली बेसिस पर एक पेनी शेयर्स बना हुआ था, लेकिन पिछले 1 साल में इसने अपने जो पेनी शेयर्स का रिकॉर्ड है यानी कि ₹10 के रिकॉर्ड को ब्रेकआउट किया और आपको इसके अंदर कुछ बड़े टारगेट देखने को मिले।
ट्राइडेंट लिमिटेड ने फर्स्ट टाइम अपने 10 रुपए के टारगेट को तोड़कर 12 रुपए 90 पैसे का एक नया हाई बनाया 4 जनवरी 2021 के दिन। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद में आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छे बुलिश के मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन कोविड की सेकेंड वेव के कारण इनके बिजनेस पर भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिला। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको रिजल्ट में इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम रिजल्ट को कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिले हैं। टोटल इनकम की तरफ अगर नज़र मारें तो टोटल इनकम यहाँ पर आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं Q3 से Q4 के अंदर, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर आपको यहां पर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी आपको लगभग Q3 के कंपेयर में आधा होते हुए देखने को मिला है। उसके बावजूद आपको ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर खरीदारी की सलाह यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल कर आ रही है, क्योंकि इनके बिजनेस के कारण इनके प्रॉफिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, कोविड की सिचुएशंस के कारण इनके बिजनेस पर इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है। साथ ही साथ ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से एक और अपडेट निकल कर आई थी जिसमें वो फंड रेजिंग करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 1100 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग ये होने जा रही है, और इस फंड रेजिंग से ट्राइडेंट लिमिटेड के इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर फंड रेजिंग होती है तो कंपनी के कोर बिजनेस में, यानी कि कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है टेक्सटाइल का, उसके अंदर आपको और बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, जिसके कारण कंपनी के प्रॉफिट पर भी उसका आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और इसी कारण रिटेल इन्वेस्टर्स को भी इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ट्राइडेंट लिमिटेड जो ये फंड रेजिंग करने वाली है, इसमें 600 करोड़ की फंडिंग तो वो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से करने वाली है, और 500 करोड़ की फंडिंग इक्विटी शेयर से करने वाली है। इसी के साथ अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड के आज के चार्ट को भी ट्रैक करें तो आपको सेकेंड सेशन के दौरान, यानी कि 2:30 बजे के दौरान, ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली थी, लेकिन उसी के अगले मिनट में, यानी कि 2:33 पर ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी भी आपको देखने को मिली, जिसमें 12,98,387 शेयर्स की डील्स आपको देखने को मिली, और इसी के बाद कंटिन्यूसली इसके अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली, और इसी के साथ में जो ट्राइडेंट लिमिटेड की क्लोजिंग निकल कर आई है वो 16.95 रुपये की निकल कर आई है, यानी कि लगभग 5% ज़्यादा की यहाँ पर आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर। ट्राइडेंट लिमिटेड के अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो अभी भी आपको इसके अंदर बुलिश कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप करंट शेयर प्राइस से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टारगेट और बड़े यहां से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही किसी भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हमने ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई है। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।